और गांव में ना आपको हर घर में गाय मिलेगी मिलेगी। और पहले ना कुछ इस तरीके के पुल होते थे, और मम्मी ना यहाँ तक मामा जी के साथ गाड़ी में आया और मैं अकेला स्कूटी पे आया, और इतनी ज्यादा ठंड है ना मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। हमारी पार्वती वैली और मणिकर्ण रोड इस रास्ते से होकर जाते थे पहले, जब ये मेन रोड नहीं हुआ करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई हो तो कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज 5 जून, आज जा रहे हैं मैं और मम्मी चमान तक देवते को फूल देने। तो यहाँ पे आए हुए थे शाम को मेरे मामा जी की फैमिली, और ये भी जा रहे अभी घर। कन्नू और लक्की जा रहे स्कूल के लिए, और मामा जी जा रहे हैं ड्यूटी, और साथ में निकल रहे हम लोग और ये मम्मी। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रवण नाड़ा, और ये है मणिकर्ण रोड। यहाँ से राइट को जाता है छमान और ब्रैंड के लिए पुल, यहाँ से राइट लेके हम लोग पहुंच चुके हैं इस रोड पे। और ये है पार्वती रिवर, और काफी सही व्यू है यार यहाँ से। और पहले ना कुछ इस तरीके के पुल होते थे, ये तो काफी पुराना हो गया है। लोहे की वायर पर लकड़ी के तख्ते बिछा के नदी को क्रॉस किया जाता था, बट अब तो ऐसे नए पुल बन गए हैं। और मम्मी ना यहाँ तक मामा जी के साथ गाड़ी में आया, और मैं अकेला स्कूटी पे आया, और इतनी ज्यादा ठंड है ना मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। इस साइड को ना हल्की हल्की धूप भी लग गई है, तो चलिए चलते अब। ये छरौर नाड़ा और ये है बड़ोगी रोड, और यहाँ पे हम लोग गए थे संक्रांत के दिन। अगर ये इस दिन का ब्लॉग नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाके देख लेना, और काफी सही था। यह कुटू ठाणा और इसके पीछे अच्छे हैं गांव। ये है हमारी पार्वती वैली और मणिकर्ण रोड। ये चौंग विलेज, जहाँ पे मैं कुछ दिन पहले अपनी सिस्टर के साथ गया था। ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं जाके देख लेना। इस साइड पे है मेरा ननियालना, और पहले ना जो ये रास्ता जा रहा है इस रास्ते से होकर जाते थे पहले, जब ये मेन रोड नहीं हुआ करती थी। ये पुराना रास्ता है, ऐसे पहाड़ी से होकर हुआ करता था पहले रास्ता। भाण और बहन का रोड भी ना सेम ब्रोगी रोड की तरह है, सेम चौड़ाई है, बट ऐसा है कि इस रोड पे ना गड्ढे नहीं है, मतलब कि बिल्कुल साफ रोड है। और ब्रोगी वाला रोड तो बिल्कुल ऐसे गड्ढे से गड्ढे ही भरे हुए हैं, और धूल ही धूल होती है उस रोड पे। ये रोड भी उसकी तरह संकरा है, बट ऐसा है कि पक्का है और गड्ढे वगैरह नहीं है, मतलब कि साफ है रोड, चलने के लिए ठीक है। Thank you.
फाइनली 9 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं छमाण। घर से हम लोग 8 बजे चले थे और 1 घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। स्कूटी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ पे हमारे रिलेटिव का घर। मम्मी थोड़ा आगे चले गए हैं, मैं थोड़ा आराम से ब्लॉग बनाते बनाते हुए जा रहा हूँ। ये छमाणी नारायण जी का मंदिर, और मम्मी जी फूल लेके आ गए यहाँ पे। ये मंदिर का परिसर और ये छमाण गांव। यहाँ पे है देवता कबीर जी का स्थान। यहाँ पे ना मैं लास्ट टाइम आया था दिसंबर में, जब यहाँ पे देवता कबीर जी के पास फागली हुई थी उस टाइम आया था मैं यहाँ। और आज ना मैंने कैप लाई हुई है क्योंकि हेलमेट लगा के ना बाल एकदम ऐसे खराब हो जाते हैं, फिर कैप रखी थी मैंने डाल के। और गांव में ना आपको हर घर में गाय मिलेगी। और यहाँ पे प्रसाद में मिला हमारे को चने और हलवा। कैसे हैं? बढ़िया। हलवा चने ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थे क्योंकि सुबह भूखे पेट आए थे, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे मम्मी जी के बुआ जी का घर। A few moments later, लोग जा रहे हैं वापसी। मैं तो सो के रह गया था, मीना बहुत सारे रिलेटिव्स के घर में गए, बस मैं तो अपनी मासी के बाँप पे रहा था सो के। तो अभी आए, फिर मम्मी अभी जा रहे हैं घर वापसी। और मौसम ना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और शाम के 4 बज चुके हैं। और चलते हैं फटाफट से घर क्योंकि अगर बारिश होगी ना फिर भीग जाएंगे। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, पता नहीं बॉइस आएगी कि नहीं। तो चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं घर जाके। पहली शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। तो 4 बजे निकले थे हम लोग छमाण से, लगभग 28-30 किलोमीटर है और 1 घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। और थोड़ा बहुत ट्रैफिक था ना उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते। और घर पहुँचते ही ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रास्ते में तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी बट अब घर पहुँच के ना बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। फिर से ना बस 2-3 दिन रहा होना मौसम ठीक और आज फिर से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो इसके साथ ही आज के इस ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड। मिलते हैं किसी नए दूसरे फ्रेश ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।